हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल शांत मन से जोश और जुनून के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जा रहे होंगे। एसएससी जे 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है और आई होप दैट आप लोग का एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा हुआ होगा। अब आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे होंगे, उसके साथ साथ आपके मन में यह भी सवाल होगा कि अब आगे कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैं सारी के सारी अपकमिंग वैकेंसीज एंड ऑन गोइंग वैकेंसीज सबको डिस्कस करूँगी, ताकि जो अपकमिंग वैकेंसी है आप अपनी प्रिपरेशन को उसके हिसाब से अलाइन कर सके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस जॉब में। एंड जो ऑन गोइंग वैकेंसी है उनमें से कोई भी वैकेंसीज में आप रहना चाहो फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है इतनी सारी वैकेंसीज निकल रही हैं, कोई भी बीच में आपकी वैकेंसी जो है वो मिस हो सकती है एंड इन दैट केस नुकसान हो जाएगा। तो आओ चलो फटाफट से हम ये जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपकमिंग वैकेंसीज डिस्कस करूंगी। देखो, अपकमिंग वैकेंसीज वो वैकेंसीज हैं जो अभी तक आई नहीं है, पर 2 से 4 मंथ के अंदर आपको उनकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि टेंटेटिव है, उनका नोटिफिकेशन आ सकता है। जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा बहुत सारा ऐसा आप ये कह सकते ट्वीट आए हुए हैं या नोटिफिकेशन आया हुआ है कि कब ये वैकेंसीज आएंगी। तो सबसे पहला और अच्छा सारी वैकेंसीज को डिस्कस करने के पहले, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी, जहां पर आप जो ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं उनकी मैं फॉर्म की स्टार्ट फिलिंग डेट एंड जो एंड फिलिंग डेट है वो भी यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ताकि कोई भी डेज आपकी मिस ना हो जाए। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आपको टेलीग्राम में जाना है, मीनू मैम टाइप करना है एंड उसके बाद यहाँ पर इसको टाइप करने के बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहां पर आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। एंड लेट मी टेल यू, आपको सारे सेशन की जो मेरे सेशन हैं उसकी पीडीएफ जो है वो मीनू मैम पीडब्ल्यू ग्रुप में ही मिलेगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली वैकेंसी जिसका सब लोग वेट कर रहे हैं वो है आपकी आरआरबी जे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा इसका आपका पोस्ट निकलता है और इसकी वैकेंसी जो है वो लास्ट 5 ईयर से नहीं आई है, बट चूंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें बताया हुआ है कि आपकी जुलाई से सेप्टेम्बर तक में नोटिफिकेशन आएगी। एंड जो वैकेंसीज है मेरे हिसाब से देखो 2019 में लगभग 12,000 वैकेंसीज आई थी, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल एंड उसके साथ और भी ब्रांचेस थी। एंड अब क्योंकि आप ट्रेंड देख रहे होगे एनटीपीसी का और टेक्नीशियन का, तो जो वैकेंसीज हैं वो 1/3 आ रही हैं, क्योंकि अब हर साल पेपर होगा, हर साल एग्जाम होना अच्छी बात है क्योंकि आपको हर साल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज आरआरबी जेई के लिए, रेलवे के लिए लोग 5 सालों तक वेट करते रहते थे, तो मेरे हिसाब से इस बार भी 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार वैकेंसीज तो आएंगी ही आएंगी। तो अगले 3 से 4 महीने में आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं रेलवे में जॉब करने के लिए तो आप इसके लिए अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सितंबर के आसपास ही सीबीटी 1 होगा और आपको समय नहीं मिलेगा उतना प्रिपेयर करने का। तो डू नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट जो अपकमिंग वैकेंसी है बेटा वो है आपके डीडीए जेईई, दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड अथॉरिटी द्वारा जो है जेईई की पोस्ट निकलती है। इसमें डिप्लोमा और बीटेक सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं जो रेलवे है ना आरआरबी, उसमें भी डिप्लोमा बीटेक एंड डिप्लोमा प्लस बीटेक वो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अभी भी फॉर्म की स्टार्ट डेट वगैरह कुछ भी नहीं आई है, बट क्योंकि थोड़ा बहुत जो न्यूज़पेपर में आता रहता है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो सिविल की लगभग 400 से 500 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल मिलाकर के 60-80 वैकेंसीज यहां पे एक्सपेक्टेड हैं। उसके बाद आप देखोगे यूपी में भी बहुत सारी वैकेंसीज आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आप देखोगे कि यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके हिसाब से इन्होंने सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बोला है कि आप बताइए कि क्या क्या खाली है और उसको जल्दी जल्दी फिलअप करें। तो हम ये आशा करते हैं कि जो इलेक्शंस हुए हैं उसकी वजह से ये शायद कुछ करेंगे, तो 2-4 महीने में आपको वो भी देखने को मिलेगा। अब चलो हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बेटा ऑन गोइंग वैकेंसीज। ऑन गोइंग वैकेंसीज वो वैकेंसीज हैं जो ऑलरेडी फ्लोट हो चुकी हैं और मेक श्योर दैट यू हैव फिल्ड इट ऑल। यहाँ पे मैं सारी वैकेंसीज एक साथ बता दूंगी, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी वैकेंसीज जो है वो मिस ना हो जाए। यहाँ पे मैं डेट्स भी बता दूंगी कब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और कब एंड होने वाली है, ताकि एंड डेट के पहले ही आप फॉर्म फिलअप कर लें। सबसे पहले वैकेंसी है बेटा यूपी SSSC JEE की, ये एक जेई की पोस्ट है, यहाँ पे डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक डिप्लोमा प्लस बीटेक के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। 7 मई 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है फिलअप होना और 28 जून 2024 तक फॉर्म फिलअप होगा। इसमें सिविल की लगभग 4,016 वैकेंसीज हैं और एग्जाम डेट अभी तक इन्होंने बताई नहीं है, बट जल्दी ही बता देंगे। नेक्स्ट है बेटा आपकी बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने डिप्लोमा और आईटीआई
के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जेई की वैकेंसी निकाली है यहाँ पे, और इनकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 5 जून से फॉर्म फिलअप करना होना स्टार्ट हो गया है और 30 जून है लास्ट डेट। बेटा यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट और लास्ट डेट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सिविल की 2 वैकेंसी है, मैकेनिकल की 10 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल की 4, बाकी कुछ भी ब्रांच मिला करके टोटल 39 वैकेंसीज है। एग्जाम डेट अभी नहीं आया है, आ जाएगा। देन आपका HPCL, ये आपकी A की वैकेंसी है जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी है। यहाँ पर बीटेक वाले एलिजिबल हैं, प्लस वो स्टूडेंट्स जिन्होंने डिप्लोमा भी किया है प्लस बीटेक भी किया है वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। 5 जून 2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और 30 जून 2024 तक इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इनकी अगर डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए है तो आप देखोगे इंजीनियर्स वाला में पहले भी कुलदीप सर ने और मैंने भी कई नोटिफिकेशन यहाँ पर कवर करी हैं। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए अदर वीडियोस बने हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं काउंटिंग दे रही हूँ ताकि कोई भी फॉर्म फिलअप रह ना जाए। यहाँ पे सिविल की 10 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल की 93 वैकेंसीज हैं एंड इलेक्ट्रिकल की बेटा 44 वैकेंसीज हैं। अभी भी एग्जाम डेट यहाँ पर आया नहीं है बट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपकी RFCL, RFCL मतलब कि राष्ट्रीय फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। यहाँ पे A मैनेजमेंट ट्रेनी की ही वैकेंसी है, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं प्लस डिप्लोमा प्लस बीटेक के जो स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 8 जून से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और 1 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबकी लास्ट डेट को नोट डाउन कर लीजिएगा, एक डायरी बना लीजिए ताकि आप नोट डाउन कर लें, उसके पहले आप फॉर्म फिलअप कर दें। सिविल की 4 वैकेंसी है, मैकेनिकल की 30 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की 27 वैकेंसीज हैं। अभी भी एग्जाम डेट नहीं आया है, सारे के सारे जो स्टेट्स हैं उनके स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये भी एक जेई की जॉब है और यहाँ पे डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट डेट है 5 जून 2024 और जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 4 जून 2024 तक है। यहाँ पे सिविल की 20, मैकेनिकल की 16 और इलेक्ट्रिकल की भी 20 वैकेंसीज हैं और इसका भी एग्जाम डेट अभी नहीं आया है, जल्द ही आ जाएगा। तो एग्जाम की लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा HAL, HAL ने भी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली है जहाँ पर डिप्लोमा वैलिड है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 30 मई 2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 12 जून 2024 को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। जितने लोगों ने नहीं फिलअप किया है, आज 11th है और आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कल इसकी लास्ट डेट है। आई होप दैट ये अपलोड भी हो जाएगा आज के दिन ही। सिविल की यहाँ पे 20 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल की 29, ई ई सी आई एन की 17 वैकेंसीज हैं। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट आता है, अच्छा इतनी ही वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर इस समय पर आ चुकी हैं, आप इनका जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखती हूँ, आप सभी लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मीनू मैम PW। इसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी की सारी ये जो PDF है मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो इसको भी स्कैन कर सकते हो, आप चाहो तो मीनू मैम PW जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट ये दोनों ही मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच।